नमस्कार, आप देखें इन न्यूज़, मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। 5 राज्यों में से 4 पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है और बीजेपी की दूसरी बार यूपी में जीत होने से सीएम योगी का और बढ़ गया है। उधर केजरीवाल ने पंजाब में धमाल किया है और कांग्रेस परस्त है, तो वहीं बसपा और सपा का बुरा हाल है। कैसे शुरू होगी 2024 लोकसभा चुनाव की दौड़, ये भी अब देखने वाली बात होगी। जिन 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे गुरुवार को आए हैं, उनका असर महज उन राज्यों में सरकार बनाने तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि यहाँ से रेस शुरू होती है 2024 की। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इन राज्यों के नतीजे के सहारे अब सारा जोड़ घटाव लोकसभा चुनाव के लिए शुरू होना तय है। हालांकि इस बीच गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे, लेकिन न सिर्फ 2024 पर ही होगी। इन 5 राज्यों में नतीजे इसलिए अहम होने क्योंकि राज्यों में 102 लोकसभा की सीटें आती हैं और बीजेपी को केंद्र में 300 के पार पहुंचाने में इन राज्यों की अहम भूमिका थी। विपक्ष ने इन राज्यों के जरिए परिदृश्य में बदलाव की उम्मीद पाल रखी है, तो वहीं लेकिन अब वह नई रणनीति के साथ आगे बढ़ेगा। होली से पहले कई क्षेत्रीय दलों के नेताओं का दिल्ली में जुटान भी होना वाला है और बीजेपी के लिए तखल्लीबख्श बात यह भर नहीं है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा 80 लोकसभा सीट वाले राज्य में अपनी वापसी कर ली है, बल्कि यह उसने कि अपने ऐसा मजबूत वोट बैंक तैयार कर लिया है जो विपक्ष के किसी भी तरह के गठबंधन से प्रभावित नहीं हो रहा है। इस बार भी मोदी और योगी के चेहरे के आगे बीजेपी के खिलाफ सभी फैक्टर बेअसर साबित हो गए हैं। और यही नहीं, योगी आदित्यनाथ के लोकप्रियता के पायदान पर नरेंद्र मोदी के बाद नंबर 2 की पोजीशन में आने में चर्चा भी अब शुरू हो गई है। तो 2022 के नतीजे ये तय कर चुके हैं कि आखिर 2024 का जो विजन रहने वाला है बीजेपी का, आखिर कैसा रहने वाला है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं यूपी में और उन सीटों पर आखिर कब्जा किसका होगा और कैसे होगा, इसको लेकर भी अब रणनीति पीएम मोदी ने शुरू कर दी है। हालांकि अभी वो गुजरात दौरे पर हैं और गुजरात में इसी साल के अंत तक चुनाव हो जाने हैं और इसी को लेकर लगातार तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तो इस तरीके से समझा जाए और समझने की कोशिश की जाए तो लगातार बीजेपी अपना विस्तार करती हुई नजर आ रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद अगर नतीजों पर बात कर ली जाए और उन पर एक नज़र डाल ली जाए तो 4 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है, तो वहीं 1 राज्य पर आम आदमी पार्टी 92 सीटों के साथ कब्जा जमाने में कामयाब हुई है। तो 2022 विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से 5 राज्यों में बीजेपी की जो परिणाम रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटें हैं, तो वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि गोवा और मणिपुर में भी बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाने में कामयाब रही है। लेकिन अब ये साफ हो जाता है, आज की इस चर्चा का विषय भी यही है और आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर जिस तरीके से बाईपोलर पॉलिटिक्स यूपी में नजर आई है और जिस तरीके से अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या 22 के सहारे 24 पर नजर होनी है प्रधानमंत्री मोदी की और बीजेपी की। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, परिचय करा देते हैं आपका। आशीष पटेल समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं, प्रेलानंद राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ी हैं और आलोक वत्स हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। आलोक जी, शुरुआत आपसे ही, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जिस तरीके से 2022 में एक बार फिर से आपकी और आपकी टीम ने परचम लहरा दिया है। आलोक वत्स जी, आपको याद होगा कि जितने भी डिबेट हम कर रहे थे पहले, मैंने कहा था कि हमको अपने कार्यों पर विश्वास है। बिल्कुल, ने जनता को राहत देने का काम किया है, ने भयमुक्त समाज बनाने का काम किया है। आज तक किसी ने उनको कुछ दिया नहीं, सिर्फ बरगलाते ही रहे। और ये जी आलोक जी,
गरीब के किसान की, जो गांव गरीब की महिलाएं थी, उन्होंने आंख मूंद कर कमल पर छप्पा लगाया है, वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी। आज तक आजादी के बाद सिर्फ मुगालते में रखा गया, सिर्फ गोल गोल बातें की गई और वो गरीब से बख्त से बदतर होते चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे और जिस तरीके से योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में धरातल पर काम को उतार कर डायरेक्ट बेनिफिट टू द पीपल किया, उसी का ये श्रेय है। और दूसरा श्रेय हमारे वर्करों को जाता है। आपने देखा प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री बाद में है, पहले वो एक वर्कर है। गुजरात की तैयारी उन्होंने कल से चालू कर दी और हमारे अन्य नेता भी जो पहले इस दायित्व को पूरा करेंगे बाद में दूसरे दायित्व पर जाएंगे। हमने तो बिगुल बजा दिया है गुजरात से, आओ जिसको भी वहां आना है। ये होती है भारतीय जनता पार्टी संस्कृति संस्कार, इसके तहत हम काम करते हैं। यहाँ कोई चापलूसी, कोई वंशवाद, कोई जातिवाद, इसका कहीं कोई जगह नहीं है। और अभी आने वाले वर्षों में भारत को उज्जवल भविष्य, भारत का उज्जवल भविष्य इन्हीं हाथों में सुरक्षित है, इन्हीं नेताओं के हाथों में सुरक्षित रहेगा और आगे की ओर तेजी से अग्रसर होगा। इसको आप निश्चित तौर पे मान लीजिए। लोग कहते थे महंगाई है, महंगाई है, लोग कहते थे समाजवादी पार्टी से। आलोक जी लौटेंगे आपके पास, दो मेहमान और भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी डिबेट में जोड़ लेते हैं। समाजवादी पार्टी से आशीष पटेल और प्रिय आनंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष पटेल जी, देखते ही देखते क्या हो गया, जिस तरीके से आज जो बयान आलोक बस जी दे रहे हैं वो बयान आपको देना था, लड्डू भी खराब हो गए और जो तमाम पोस्टर्स लगाए गए थे अखिलेश यादव को बधाई संदेश वाले वो भी खराब हो गए जी। आशीष जी चलिए जोड़ने की कोशिश करेंगे। पिलानंद जी कैसे देखते हैं इन सबको, ये जो घटनाक्रम हुआ पिछले दो तीन दिनों में, जिस तरीके से 2022 पर तो कहीं ना कहीं बीजेपी कामयाब रही है, लेकिन इसकी एक नजर जो है वो कहीं ना कहीं 24 पर भी जाती दिख रही है। पिलानंद जी देखिए, ये कहना बहुत ही ज्यादा रोमांचक है कि कहीं यूपी इलेक्शन हो या अभी बाकी अन्य चार जगहों में जो इलेक्शन हुई है, उन चीजों पे जिस तरीके से बीजेपी का एक परचम लहराया है और कहीं ना कहीं बाकी दलों ने भी अपने अनुभूति के साथ बहुत आगे बढ़े हैं। आप ये देखिए कि सपा ने 111 सीटों पे अपना एक मुकाम हासिल किया है आज से 2014 और 17 में, अगर आप देखें तो 125 सीटों पे जिस हिसाब से उन्होंने अपना मुकाम एक हासिल किया है वो भी बहुत सराहनीय है। और कहीं ना कहीं देखिए राजनीति के अंदर इस तरीके से एक आवाम के साथ कनेक्ट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि बीजेपी के साथ जो एक कनेक्शन था वो बहुत ही तालमेल उन्होंने बहुत अच्छे से उठाई और उनकी बातें को वो समझे, उनकी बातों को उन्होंने अपने अपने और रखा और अपनी चीजों पे वो खड़े उतरे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी है कि सरकार, जब एक जनता एक सरकार को चुनती है तो उनका यही होता है कि जरूरत से ज्यादा या जहां तक हो सके संभवता वो उनकी चीजों को, वो उनकी जरूरतों को समझे, वो उनकी चीजों को समझे और उन तक वो चीजें मुहैया करवाई जाए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो एक रोल था वो भी बहुत सराहनीय है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि अन्य दलों ने भी कुछ खास नहीं किया है। अभी भी कहना बहुत बाकी है। हाँ, प्रोपेगेंडा लेकर के जो बीजेपी चल रहे हैं 2024 का, वो कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रैटेजी लाइन जो है वो कहीं ना कहीं उनकी जो एक मोनोपोली कंसिस्टेंसी है वो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है। और आगे की बात हम और आप कह नहीं सकते अभी, क्योंकि आने वाले चंद साल, दो साल है अभी, कहीं ना कहीं ये पूरा एक साल अभी बाकी है, तो देखने को बहुत कुछ मिल सकता है। चलिए 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 प्रियानंद जी, आशीष पटेल को डिबेट में ले लेते हैं। आशीष पटेल जी आवाज पहुंच रही है आप तक क्या? आप आशीष जी आवाज पहुंच रही है? चलिए पीसीआर से कहूंगा इनको जल्द से जल्द जोड़ने की कोशिश की जाए आशीष पटेल जी को। आलोक बस जी, अगर आपने सरकार बनाए तो चार राज्यों में कहीं ना कहीं कामयाब हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं जनाधार घटता दिख रहा है आपका। 325 से आप सीधे 273 पर आ गए और उत्तराखंड में भी आपकी सीटें घटी हैं। देखिए
40 वर्षों के इतिहास को हमने बड़ी बात है आज के संदर्भ में बिल्कुल। और उत्तरांचल इसका ये इतिहास रहा, इसका ये इतिहास रहा है, एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी। इनकम्बेंसी फैक्टर भी कोई चीज होती है। इन सब बाधाओं को पार करते हुए सरकार तो बना लिए ना, क्लियर मेजोरिटी से बनाए ना, बिल्कुल ये मायने रखता है। और इसके लिए हमारा कार्य, हमारी लोगों तक राहत, लोगों ने कहा बेरोजगारी, महंगाई, किसान, ये सब से बीजेपी हवा हो जाएगी। अब आप देखिए किसानों की बात, थोड़ा हटके चलूंगा। किसानों ने अपना दल बनाया, देवर डेसिमेटेड, एक सीट नहीं आया। इसका मतलब लोगों ने उनकी पॉलिसीज को रीड कर दिया। राकेश टिकैत यहाँ पर बड़ा बिगुल फूंक रहे थे, इनमें कहते थे कि मैं किसी के साथ नहीं हूँ, रात में कहते थे कि मैंने फरमान जारी कर दिया है। क्या हुआ उनके यहाँ? 36 सीटें ले गए हम। किस चीज पर मुहर लगी? मोदी की पॉलिसी सही है, मुंह दिखाने लायक लोग नहीं रह गए हैं। ये दोहरी राजनीति करने वाले लोग कहीं के नहीं रह गए हैं। हमने जो कहा वो किया, सबका साथ दिया और सबका विकास किया। और पहले दिन से मैं इस पर काबिल था, और लोग समझते थे कि मेरा घमंड बोल रहा है, नहीं, मेरा कार्य बोल रहा था, मेरी ईमानदारी बोल रही थी, मेरा लोगों के प्रति विश्वास बोल रहा था। वही पहली बूथ हुआ अंतोगत्वा। आज हम 4 राज्यों में रिपीट हुए हैं, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अहम संदेश दे रहा है। जहां कहीं भी हमारे सरकारें रही हैं, गुजरात लगातार रिपीट, मध्य प्रदेश लगातार रिपीट, बिहार लगातार रिपीट। चलिए 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 आलोक वर्ष जी लौटेंगे आपके पास, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आशीष पटेल हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं, उनसे भी शुरुआत करेंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चर्चा पर वापस आता हूँ। आशीष पटेल हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। आशीष पटेल जी, ये देखते ही देखते आखिर क्या हो गया? जो बयान आज आलोक वत्स जी को देना था वो आपको देना था, वो आलोक वत्स जी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हालांकि आपकी सीटों का जो आंकड़ा है वो बड़ा है, लेकिन सरकार नहीं बना पाए आप। मिठाइयाँ खराब हो गई, पोस्टर लगे थे अखिलेश यादव के सीएम बनने को बधाई को लेकर, वो सब बेकार चले गए। दोबारा सरकार बनाने के लिए मैं बधाई देता हूँ। हार जो कोई हारता कोई जीतता, और उत्तर प्रदेश की जो 35 करोड़ की आबादी है, कहीं ना कहीं आशीष जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। 125 सीटों पर बताया उत्तर प्रदेश की जनता से, 4 विधानसभा, सभी जनता को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें 125 सीटों तक पहुंचाए। और जिन सीटों पे हारे वहां पे हमारे वोटर हमें बहुत लंबी वोटों तक पहुंचाए और कम वोटों से हार जीत। आशीष जी आवाज पहुंच गई क्या अब तक? चलिए चलिए हमारे साथ आलोक वत्स जी बीजेपी से मौजूद हैं। आलोक वत्स जी, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप इस 2022 के विधानसभा चुनाव से सीधे 24 पर वार करते हुए दिख रहे हैं,
क्योंकि अभी अगर 2022 और 24 के बीच की अगर डगर देखी जाए तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, और सबसे बड़े सबसे आधा सांसद वाले प्रदेश में तो आप फतवा फहरा ही चुके हैं अगर बात की जाए तो, क्योंकि 80 सांसद हैं यूपी में। देखिए, यूपी में 80 सांसद हैं और बिहार में 54, 134 के आंकड़े, यही दो राज्य थे। लेकिन सबके सब आपके पाले में नहीं जा सकते ना, बाकी लोग भी चुनाव मैदान में हैं। मुझे 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 थोड़ा थोड़ा कंप्लीट कर दीजिए। जी बिल्कुल। जनता का आभार और बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने विश्वास करके माननीय अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी में 125 विधायक बना के दिए। हम लोग विपक्ष में बैठेंगे, आशीष जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, आलोक वर्ष जी को बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद आपसे जवाब लेते हैं। तो योगी जी के नेतृत्व में इंडिकेशन दे दिया, कम्युनलिज्म सब के नाम पर वोट मांगने वाले लोग नहीं है, ये हमारे बारे में भ्रांति फैलाई गया। संपर्क टूट चुका है शायद आलोक वर्ष जी से, और जुड़ने की दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए तो 2022 विधानसभा चुनाव से कहीं ना कहीं 2024 की नज़र पर भी नज़र होती दिख रही है अगर बात की जाए तो, क्योंकि जिस तरीके से समझने की कोशिश की जाए तो लगातार सबसे आधा सांसद वाले प्रदेश यूपी में बीजेपी कहीं ना कहीं खुद को स्थापित करने का काम कर चुकी है। और अब अगर बात की जाए तो गुजरात में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने और वहां भी लगातार बीजेपी अपना प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या जिस तरीके से विपक्ष धीमा पड़ गया है अगर बात की जाए तो, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस उतनी सीटें तक नहीं ला पाई जितनी कांग्रेस या विपक्ष की बात कर लें, कांग्रेस या बसपा की बात कर लें, उतनी सीटें भी नहीं ला पाई जितनी यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान चरण हुए, क्योंकि 7 चरण हुए और अगर इन दोनों पार्टियों के सीटों को मिलाकर बात कर ली जाए तो ना ही 5 का आंकड़ा बीएसपी छू पाई है और ना ही कांग्रेस छू पाई है। आलोक वस जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आलोक वस जी, अभी और प्रगति के सूचकांक हमें तय करने, अभी और माइलस्टोन हमने बनाना है। हमारे लोग अब देखिए कहां से शुरू होता है आदमी को सीख, प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने 16-17 हजार किलोमीटर सिर्फ यूपी में दौरा किया, उस शख्स ने एक दिन के लिए भी यही कि नहीं और कमर कसकर ये तो आदि अति मानवता है, अति मानव व्यवहार है। अगर यही कोई दूसरे नेता होते तो अभी तक इटली या इंग्लैंड या फ्रांस का टिकट कटा चुके होते, 4 राज्यों में उनकी अगर जीत हो जाती तो महीना भर का छुट्टी मना के आते। लुक एट दिस मैन, इनकी इनकी भारत के लोगों के गरीबों के प्रति सोच देखिए, उनको उठाने के लिए जो लगन इनके दिल में है उसको देखिए, अपने शरीर का एक एक अंग किस तरीके से झोंक रहे हैं, माँ का आशीर्वाद लिया और अखाड़े में कूद गए और तैयारी चालू है। गुजरात में किसी भी दल को कहीं भी कोई ज्यादा सीट मिलने की संभावना नहीं है, वो तो राज्य 3 टर्म माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रह चुका है, वो डेवलप्ड स्टेट है और ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, वो पंजाब नहीं है जो झुलस रहा था नशेड़ियों के कारोबार में, वो पंजाब नहीं है जो बेरोजगारी में झुलस रहा था, वो पंजाब नहीं है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर का कोई ठिकाना नहीं था, वो गुजरात है जहां पर डेवलपमेंट पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मॉडल है। पंजाब में आपका खेल नहीं चल पाया,
जिस तरीके से देखा जाए तो पंजाब में और अलग अलग फैक्टर थे, लेकिन घबराइए मत, मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वहां पर चुनाव नहीं लड़ रहा हूं आलोक जी, मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब घबराइए नहीं, से मेरा मतलब है कि धैर्य रखिए, हम पंजाब में भी आएंगे। ये लोग जो पंजाब में गए हैं ना, मुझे मेरा इनके साथ पूरा सहानुभूति है। मैं चाहता हूं कि ये पंजाब को आगे बढ़ाए, लेकिन ये कटोरा पर रख के राजनीति करने वाले ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने दिल्ली में उखाड़ फेंका था। अगर बात कर ली जाए तो मुंह की खानी पड़ी थी आपको दिल्ली में आम आदमी पार्टी से। कोई बात नहीं है, राजनीति में दोनों पहलू होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कोई हारता है तो कोई जीतता है। लौटेंगे आपके पास आशीष पटेल हमारे साथ। आलोक जी लौटेंगे आशीष पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। आशीष जी, सारी योजनाएं धरी के धरी रह गई, सारी फ्री के वादे आपके धरे के धरे रह गए और जनता चली गई बीजेपी के साथ, मना नहीं पाए आप जनता को? देखिए, कहीं ना कहीं हम लोगों में, हमारे कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं कमी होगी। जो माननीय अखिलेश यादव जी के जो स्कीम थी, तीन सौ बिजली फ्री, बिजली ट्यूबवेल और नहर पानी सिंचाई फ्री, गांव में पांच साल राशन फ्री, एक किलो घी, एक किलो तेल, एक किलो घी और ये दाल, ये जो हम लोगों की स्कीमें थी, तमाम सारी स्कीमें जो हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी लॉन्च किया, कहीं कहीं वो गांव के लिए जो महिलाओं तक हम लोग पहुंचा नहीं पाए, कहीं ना ये इसकी कमी रही। दूसरी कमी मैं कह सकता हूँ बहन जी से हम लोगों की इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो इनके इतने कम सीट निकलेंगे। उनका चुनाव जो उनका होता था वो भाजपा तरफ खिसक गया, तो ये और बहुत कम सीटों पे हम लोग कम बहुत 2,000, 2,500, 4,000, 700, 800 से हारे। और कई ऐसी सीटें थी जहाँ पे समाजवादी पार्टी जीत रही थी, वहाँ पे जबरदस्ती प्रयास किया गया, जबरदस्ती हराने का प्रयास किया, जबरदस्ती बात नहीं। अब ये ठीकरा मत फोड़िए, देखिए क्योंकि ईवीएम पे पहले ही इतना बवाल हो चुका है, तो अब ये ठीकरा मत फोड़िए कि आपने स्ट्रांग रूम के बाहर तमाम आपके कार्यकर्ता पड़े रहे पूरी पूरी रात और पूरे पूरे दिन जब स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रखा गया था, लेकिन अब ये ठीकरा तो कम से कम मत फोड़िए भाई। या तो पुलिस पर ठीकरा फोड़ दीजिए या प्रशासन पे ठीकरा फोड़ दीजिए। समाजवादी पार्टी की यही तो रणनीति रही है कि वो या तो अपनी गलती नहीं देखते कि हमने चार साल तक हम सोते रहे और चार साल बाद जब देखा कि 2022 में लोक विधानसभा चुनाव है तो हम आ गए फ्रंट फुट पे खेलने और सरकार को टक्कर देने लगे, और अब जब ये चीजें सामने आई हैं, सरकार नहीं बना पाए, 125 सीटों पर सिमटते दिख रहे हैं, तो अब ये कि हम हरा दिए गए जबरदस्ती, वो तो ईवीएम को लेकर पहले ही इतना बवाल हो चुका है इलेक्शन खुलने से पहले ही, मतगणना से पहले ही, वरना आज ईवीएम के लिए भी आप रो रहे होते बैठे यहाँ। हमारी बात सुनने पर जी सुनाइए। मेरा कहने से मतलब है कि उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने 125 विधायक जिताने का काम किया और बहुत 100 सीटें कम से कम ऐसी थी जिसे 4,000, 7,000, 5,000, 2,000, 4,000, 3,000 सीटों से हारे। लड़ाई बहुत जबरदस्त थी, कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी थी। जो माननीय अखिलेश यादव जी के जो 12 से 17 के बीच में जो विकास योजनाएं थे उसको जमीन पर नहीं पहुंचा पाए, और जो हम लोगों ने वादा घोषणा पत्र था वो घोषणा पत्र हम गांव में महिलाओं तक नहीं पहुंचा पाए, गांव में गरीब तबके लोगों में नहीं पहुंचाए, उसका कहीं ना कहीं प्रमुख कारण रहा। तो ये जिम्मेदारी तमाम लीजिए ना आप आशीष जी, ये जिम्मेदारी तमाम लीजिए आप, और ये आप जिम्मेदारी को इससे नहीं भगा सकते जो आप कह रहे हैं कि हम जीत रहे थे और प्रशासन ने हमें हरवा दिया, तमाम 100-200 वोटरों से हम जीत रहे थे और प्रशासन ने हमें हरवा दिया, तो ये जिम्मेदारी नहीं, ये तो सिर्फ आरोप है आपके प्रशासन पर। प्रसाद मौर्य जी थे वहाँ पे, पल्लवी पटेल जी थी वहाँ, जीती थी वहाँ, कितना बवाल, कितना हंगामा, नहीं बागपत में आपके कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ताओं ने जो किया, 400 कार्यकर्ताओं पर आपकी रिपोर्ट दर्ज की गई, वो भी देखने वाली बात है। फिलहाल आशीष पटेल जी, जिस तरीके से अब ये आगे भी डिबेट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से यूपी में अब सिर्फ बाइपोलर पॉलिटिक्स ही रह गई है, क्योंकि अगर बात कर ले तो 2022 विधानसभा चुनाव में साफ हो चुका है कि यूपी में एक तरफ समाजवादी पार्टी थी और बीजेपी दूसरी तरफ थी, और सिर्फ बाइपोलर पॉलिटिक्स ही रह गई है। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद प्रिय आनंद जी आपसे शुरुआत करेंगे।
नांदेड़ में राज्यपाल से मिले आम आदमी पार्टी के सीएम फिर भगवंत मान, सरकार बनाने का दावा किया पेश, 16 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे भगवंत मान। सत्र के बाद कल दिल्ली में पीएम मोदी से मिलेंगे योगी आदित्यनाथ, सरकार गठन पर होगी चर्चा। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके की झुग्गियों में देर रात लगी भीषण आग, हादसे में 7 लोगों की जलकर हुई मौत। रूस की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने भेजे 12,000 फौजी, जो बाइडेन का बयान, कहा नहीं जीत पाएंगे पुतिन। ब्रेक के बाद चर्चा पर वापस आते हैं, और जिस तरीके से अगर यूपी की राजनीति को अब समझने की कोशिश की जाए, 2022 विधानसभा चुनाव के बाद अगर अब समझने की कोशिश की जाए तो सीधे तौर पर हमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। अगर जिस तरीके से अब जो निर्णय आए हैं, जो नतीजे आए हैं, जो जनता ने सिर माथे पर जिन्हें बिठाया है, उसके बाद मेरा मानना ऐसा है कि अगर यूपी की राजनीति में एक अगर उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश की जाए तो वो एक नदी है और उसके एक तरफ एक राउटी लगी हुई है और दूसरी तरफ दूसरी राउटी लगी हुई है। एक तरफ आ गए बीजेपी वाले अपने सारे दलबल के साथ और दूसरी तरफ आ गए समाजवादी पार्टी वाले, उनके साथ जो भी आगे पीछे हो वो उनके साथ आ जाएं। तो आप यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को सुन रहे थे जो होली से पहले शुभकामना संदेश दे रहे थे, तो तमाम सरकार की जो आगे की रणनीति है उस पर चर्चा कर रहे थे। तो जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में फिलहाल कामयाब रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना इस्तीफा भी पेश कर दिया है और अब हो सकता हो होली से पहले वो जीत की होली खेलें और सरकार गठन कर लें। फिलहाल तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा को शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और प्रियानंद जी, आप विश्लेषण कर रही थी उस चीज का जिस तरीके से बाइपोलर पॉलिटिक्स यूपी में फिलहाल अब देखने को मिल रही है 2022 विधानसभा चुनाव में। यूपी के अंदर बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी आने वाले 2024 के लोकसभा ऐसी चीजें हैं जहाँ पे एक नया रोमांच देखने को मिलेगा। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सपा ने भी जो अपनी एक जीत की जो रणनीति हासिल की है 125 सीटों पर, उनकी भी बहुत बड़ा योगदान उनकी तरफ से भी रहा है। और कहीं ना कहीं यूपी जो एक इतनी बड़ी प्रदेश है उसके अंदर कहीं ना कहीं 50 सीटें कम हुई है बीजेपी की। और एक छोटा सा कमेंट उस पर लेना चाहूंगा, जिस तरीके से बीएसपी और कांग्रेस जो दम भरती हुई नजर आ रही थी, जिस तरीके से एक टारगेट कर लिया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला कांग्रेस ने, और लड़की ही नहीं लड़ पाई इस बार अगर देखा जाए तो, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक पट्टाक्षेप को अलग करके रख दिया गया था और एक टारगेट कर लिया गया था महिला सशक्तिकरण को, शायद महिला सशक्तिकरण करना ही प्रियंका गांधी को भारी पड़ गया, क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण एक पार्टिकुलर महिलाओं को टारगेट किया गया था, उसके चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफ़ी घाटा हो गया, एक सीट पर दो सीटों पर खेलती हुई नजर आई। देखिए बिल्कुल आपकी बात को सहमत रखती हूँ मैं, कहीं ना कहीं महिलाओं की सशक्तिकरण को लेकर के जो प्रियंका गांधी जी ने अपना एक मोनोपोली स्टंट बनाया था, कहीं ना कहीं वो चीज उनको वाकई में भारी पड़ गई। लेकिन ये भी एक देखने को मिला है कि सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, जो कांग्रेस की एक डिसिप्लिनरी कमेटी फॉर्म होनी चाहिए, जो एक जनता के साथ शायद वो तालमेल नहीं बिठा सके जो उनको बिठानी चाहिए थी। और कहीं ना कहीं जनता को भी ये लग रहा था कि क्या वाकई में हम जो सरकार चुन रहे हैं या जो सरकार को जो हम मतदान दे रहे हैं, क्या वाकई में वो सरकार हमारे लिए खरी उतरेगी या नहीं। तो कहीं ना कहीं आवाम के बीच में भी जनता को भी ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम जिनको चुन के आगे ला रहे हैं क्या वो हमारे लिए सक्रिय हो या नहीं हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो जनता
मतदान जीते हैं, तो ये एक वाकई में देखने को मिल सकता है। और इसकी रुझान ये हो सकती है कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में एक न्यू कंटेंडरशिप फॉर्म हो सकता है और बहुत सारी ऐसी चीजों में एक नया सक्रिय पाठ हो सकता है जिसमें आप और हम अभी कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। आलोक जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद है। प्रियल जी लौटेंगे आपके पास, एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं। प्रियल जी लौटेंगे। आलोक जी आवाज पहुंच रही है आप तक? आलोक जी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? हाँ हाँ पहुंच रही। चलिए एक छोटा सा कमेंट मैं आपका इस पर लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से अगर 2017 विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो सपा की स्थिति जो थी वो काफी गिरी रही थी, लेकिन उसके बाद शायद उसका फायदा आपको मिला था 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं यूपी और उत्तराखंड में आपको अगर यूपी की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी टक्कर देती हुई दिख रही थी। हालांकि सीटें काफी कम रही, आपसे आधे से भी नीचे वो खेलते नजर आए, और लेकिन कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आई। अगर 2017 विधानसभा चुनाव और 2022 विधानसभा चुनाव की बात कर लें उत्तराखंड में, तो इस बार चुनौती आपके लिए बढ़ गई है 2024 में। इस मायने में जी आवाज पहुंच रही है? किस मायने में आपके चुनौती बढ़ी है? चुनौती इस मायने में बढ़ी क्योंकि 2017 में 47 सीटों पर समाजवादी पार्टी थी, इस बार 125 सीटों पर है, वोट बैंक आपका कम हुआ है। ठीक, तो जो वोट तो बढ़ा है, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। और रही बात हम अपनी गलती 24 तक आप देखिए कितना जबरदस्त कार्य हम करते हैं जनता के बीच, और किस तरीके से हम उसके दम पर 2024 में फिर उत्तर प्रदेश में इतिहास लिख देंगे लोकसभा के चुनाव में। हमारे पास टाइम है, हमारे पास काम, हम हमारे काम करने की क्षमता है। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री मोदी को, नरेंद्र मोदी जी को देखिए, दूसरे लोग विदेश में छुट्टियां मनाने जाते वो लग गए अपने काम में, वो पहले कार्यकर्ता है बाद में प्रधानमंत्री है, और हमारे सारे कार्यकर्ता जुड़ जाएंगे आज से। योगी जी सरकार गठन के बाद से ही काम चालू हो जाएगा, आप देखते जाइएगा किस प्रचंड स्पीड से उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी। फिर से लोग अब जात पात धर्म सब कुछ भूल चुका है, अब लोगों को काम चाहिए। 2022 के बाद 2024 को लेकर भी जनता इन्हीं मुद्दों पर फिलहाल वोट करती हुई नजर आएगी। ब्रेक से जब लौटेंगे तो आशीष पटेल जी से शुरुआत करेंगे कि आखिर 2022 तो निपट गया, हालांकि सीटें नहीं आ पाई उतनी की वो सरकार गठन कर ले, लेकिन 2024 में कितनी कड़ी चुनौती वो बीजेपी को देते हुए नजर आएंगे। ब्रेक के बाद उस पर चर्चा करेंगे, फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चर्चा में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं, तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष पटेल समाजवादी पार्टी से हैं, प्रियलानंद राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर आलोक जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं। आशीष पटेल जी, अगर बात की जाए तो इस बार प्रदर्शन तो अच्छा रहा लेकिन सरकार नहीं बना पाई, लेकिन 2024 को लेकर अगर समझने की कोशिश की जाए तो इस बार चुनौतियाँ आपके लिए बहुत हैं, क्योंकि जनता को भी अगर 2022 में जो भी आपके कार्यकर्ता निराश हुए, जनता ने आपको समर्थन नहीं दिया, कार्यकर्ता निराश हुए, लेकिन 24 में जनता और कार्यकर्ताओं की उम्मीदें आपसे बढ़ गई हैं। हम लोग बैठेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे, जहाँ पे हमें लगेगा बयानबाजी हो रही है, उत्तर प्रदेश विकास नहीं हो पा रहा, हम उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज बनकर विपक्ष में बैठेंगे, उत्तर प्रदेश की आवाज जनता की आवाज रखेंगे सदन में। दूसरी चीज, इंसान जब ठोकर खाता तो कहीं ना कहीं सीख मिलती है, अगर हम लोगों से कहीं ना कहीं गलतियां हुई उन गलतियों को सुधारने का मौका फिर हमें मिलेगा। 5 साल 2017 में चुनाव लड़े थे, हमारे पास 47 सीटें थी और हम लोगों को 5 साल लग गया बढ़ते बढ़ते, लेकिन हम जितना सोचे थे उतना नहीं बढ़ पाए।
चीज का मतलब कहीं ना कहीं हम लोग जमीन पे अच्छे से जनता जीत में जाके अपनी बातों अपने मुद्दों की बातें नहीं कह पाए। अब मुझे फिर मौका मिलेगा, उम्मीद करिए कि मैं 2024 तक कहीं ना कहीं इन चीजों में हम लोग मंथन करेंगे और विचार विमर्श करें कि क्या गलतियां हों, उन दोबारा गलतियां न होने का इसे हम लोग काम करेंगे और उत्तर प्रदेश के विकास के बातों को, विकास के मुद्दों को हम विपक्ष में अपनी बात उठाते रहेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता का विकास उठे, उत्तर प्रदेश का जो रोजगार है, जो बिजली है, जो पानी है, उन जो भी कहीं मुझे नजर कमी आएंगे उनके मुद्दों को हम रखेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बिजली पानी सड़क और रोजगार जो महत्वपूर्ण युवाओं का जो रोजगार था इस बार रोजगार देने का काम करेगी, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता रोजगार प्राप्त हो और उत्तर प्रदेश का विकास हो। और शिक्षा पे प्राथमिकता देगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 साल कोरोना काल रहा, हमारे मिलने के चांस थे। आशीष जी रोकना चाहूंगा आपको, लेकिन जहां से आपको अच्छे वोट प्रतिशत मिलने के चांस थे, आपको लग रहा था कि हाँ बीजेपी ने वहां पर गलत रणनीति की है, कुछ काम ऐसे किए हैं जिनसे जनता उनको नकार देगी, तो लेकिन वहां भी आप सही साबित नहीं हो पाए, वहां की जनता ने आपको नकार दिया। मैं एक जिले का जिक्र करना चाहूंगा, लखीमपुर खीरी का। वहां पर आपको लगता था कि जिस तरीके से तिकुनिया हिंसा कांड हुआ था तो आपको लगता था कि शायद किसान वहां से नाराज होंगे। वहां पर 8 विधानसभा सीटें हैं लखीमपुर खीरी में, लेकिन 8ों की 8ों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। 23 जिले ऐसे हैं जहां पर क्लीन स्वीप मिला है आपको, और आपके अगर जिलों की बात कर ले जहां पर आपने क्लीन स्वीप किया है उसमें से भी 5 जिले शामिल हैं, क्योंकि आपने 5 पर ही कर पाया और 23 पर आपको मिला है। तो कहीं ना कहीं ये चुनौतियां आपके लिए और बढ़ती हुई जा रही हैं। वोट आपकी सीटें तो बड़ी हैं लेकिन वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है। पिछली बार आपके पास 6 सीटें थी लखीमपुर खीरी की बात कर ले, तो 2 सीटें इस बार आपको वो भी घाटे में मिली हैं। हाँ, कहीं ना कहीं हम लोगों भी ये अफसोस की बात है और ये विचार करने की बात है। अभी जल्दी रिजल्ट आउट हुआ, अभी 15 दिन में हम लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे और देखेंगे और जाने का प्रयास करेंगे, वहाँ के वोटरों पे, वहाँ के कार्यकर्ताओं पे जोर जाने का प्रयास करेंगे। लखीमपुर जैसे कितनी बड़ी घटना होने के बाद भी समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एक राय और मशवरा मेरा आपको है आशीष जी, एक राय और मशवरा मेरा आपको है कि जिस तरीके से अगर तिकुनिया हिंसा के बाद प्रियंका गांधी वहां पर एक्टिव हुई थी, अगर अखिलेश यादव या डिंपल यादव वहां पर एक्टिव होती तो शायद वहां पर 8 नहीं तो 4 सीटें आप जीत जाते, जिस तरीके से प्रियंका गांधी एक्टिव हुई थी वहां पर। अगर अखिलेश यादव वहां पर जाते और तमाम चीजों को समझते और मोर्चा संभालते तो शायद समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं इसका फायदा होता। आप सुझाव देने के लिए धन्यवाद, कहीं कहीं हम इससे भी गौर करते हैं, लेकिन अगर आप जैसे प्रियंका गांधी जी को बार बार आप निकाल के वहाँ स्टैंड की थी तो प्रियंका गांधी जी को भी कहीं कहीं रिजल्ट में बहुत दुख का सामना करना पड़ा, तो कुछ ना कुछ और कमियां जो अंदरूनी रही होंगी, कहीं ना कहीं वहाँ के लोग नाराज होंगे, क्या होता था, क्या परसेंटेज है, उसको कहीं ना कहीं अभी हमें 15 दिन में हम लोग आकलन करेंगे क्या बड़ा कारण था जिस मुद्दों के कारण हम लोग चुनाव वहाँ से हारे, या उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी सीटें थी जहाँ पे हम लोग हारे, उसका विश्लेषण हम लोग करेंगे और जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे और अगर कहीं जो कमियां रही उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए आलोक बस जी, आलोक बस जी आवाज पहुंच रही है क्या अब तक? हाँ पहुंच रही है। चलिए जिस तरीके से अगर देखने की कोशिश की जाए तो आप इतने बड़े जनाधार के साथ यूपी में चल रहे, तो 5 जिले ऐसे भी है जहां आपको क्लीन स्वीप मिल गई। संसदीय क्षेत्र है अखिलेश यादव का आजमगढ़, वहां पर आपको क्लीन स्वीप मिली है, लेकिन मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में नहीं आपको आप क्लीन स्वीप दे पाए। नहीं दे पाए, माफ कीजिएगा, आजमगढ़ में आपको क्लीन स्वीप मिली है। हाँ मुझे मालूम है, आजमगढ़, ये गाजीपुर और यहाँ पर आपको क्लीन स्वीप मिली है, कहीं ना कहीं जनता ने आपको यहाँ पर ठुकरा दिया है, शायद अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र में काम अच्छे से कर पाए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगला चुनाव आप देखिएगा, लखीमपुर खीरी देखिए जिस इतना बवाल इन्होंने खड़ा कर दिया, क्या होगा लखीमपुर खीरी का? सारी सीटें हमारे पास, इसका मतलब ये सब फैब्रिकेटेड और फॉल्स चीजें ये लोग हल्ला कर रहे थे, वहां की जनता जानती थी सच्चाई क्या है, और
इन जिन जिलों में हमको क्लीन स्वीप मिला है वहां पर जाति जाति और धर्म ये हावी रहा है। इस मिथ को हम अगले चुनाव से पहले ध्वस्त कर देंगे और कार के बदौलत ध्वस्त करेंगे, राहत पहुंचाने के बदौलत ध्वस्त करेंगे, गुंडागर्दी से नहीं ध्वस्त करेंगे। मुझे विश्वास है कि इन जगहों पे हमें और काम करना है, इन लोगों को जातिगत भावना से ऊपर उठाना है, धर्म के मापदंड से ऊपर उठाना है और अपने पाले में लाना है। करेंगे इस काम से, चलिए आज से कल से जुट जाएंगे इस काम। बिल्कुल जुटने की जरूरत, क्योंकि 24 के लिए दिन शेष कम है अगर मेरी माने तो। आशीष पटेल जी, एक छोटा सा जवाब आपसे लेना चाहेंगे इसी पर, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लग गया कि यहाँ पर जाति और धर्म की राजनीति हुई, अखिलेश यादव ने लिए क्लीन स्वीप दे दिया बीजेपी को। नहीं, आपकी आवाज़ सुन नहीं पाए। आप पर आरोप लग गया कि जिन जिलों में आपने क्लीन स्वीप दिया है वहां पर धर्म और जाति की राजनीति कर दी समाजवादी पार्टी ने। आज आपकी आवाज में वो जोश और खरोश नहीं दिख रहा आशीष पटेल जी। नहीं, जो पुरानी डिबेट्स में आपका जोश और खरोश दिखता था, आप तमाम आरोप लगाते हुए नजर आते थे, अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए 2012 से 2017 की जो आपके सरकार रही उसकी तमाम उपलब्धियां आप गिनाते हुए नजर आ रहे थे। आज कुछ फीकी फीकी सी डिबेट लग रही है आपके साथ, वो जोश और खरोश नहीं दिख रहा है। जो आप जो चीज चाह रहे हैं उन चीजों में इस समय दिमाग हम लोगों में मंथन में चल रहा है कि मंथन क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया तो जनता ने हमारे माननीय अखिलेश चौधरी को चुकाने किया, समाजवादी पार्टी को चुकाने किया, क्योंकि हम लोग हर सीटों पे मंथन में जारी हम लोगों का है। महीने 15 दिन पे हर सीटों पे मंथन आ जाएगी कि हम लोगों में कमियां कहाँ हुई, कि हम लोग हमें जो अपना ओपिनियन लगा कि हो सका वो माननीय अखिलेश यादव जो घोषणा था घोषणा पत्र वो जनता के बीच में आम आदमी जो जो गरीब वर्ग था झोपड़ी पट्टी में रहता था गरीब वर्ग था उन लोगों में पहुंच नहीं पाई, इसका प्रमुख कारण था। इसका प्रमुख कारण अगर मैं मानूं तो 4 साल तक जिस तरीके से सपा जो है समाजवादी पार्टी जो है वो बिल्कुल निष्कासित पड़ी रही, क्योंकि 2017 विधानसभा चुनाव होने के बाद जिस तरीके से बीजेपी ने मोर्चा संभाला और तमाम चीज़ें लाई तो कहीं ना कहीं अगर मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी को यही लगा कि आगे कुछ नहीं होने वाला और 4 सालों के बाद कहीं ना कहीं नींद टूटी जो मायावती की अभी तक नहीं टूटी नींद, तो 4 सालों के बाद जब 1 साल बचा 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर तब आप लोग जागे, शायद यही वजह है कि आज 125 पर आप सिमट गए। चलिए एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं प्रियानंद जी से और फिर फिलहाल समय का अभाव है, फाइनल कमेंट प्रियानंद जी तमाम गतिविधियों पर और तमाम आज जो चर्चा हुई इस पर। देखिए बहुत सारी चीजें अभी देखने को मिलेंगी, रणनीति का अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि 2024 की जो लोकसभा इलेक्शन होने वाली है उसके हिसाब से हर दल अपनी रणनीति बदलेंगे और अपने रणनीति पर खड़े वाकई में उतरेंगे। कहीं ना कहीं ये भी देखने को है कि भाजपा के अंदर जो अभी ये जोश है वो जोश जमीन स्तरीय पे वो कितना कर पाते हैं, और जो जैसा आशीष अवस्थी जी बता रहे हैं अपने चीजों को स्वीकार कर रहे हैं मीडिया चैनल के माध्यम से सपा के माध्यम से, तो ये भी देखने को है कि वाकई में जो दल अभी 2017 में जो एक मुकाम हासिल नहीं कर पाई थी उसके हिसाब से 50 फीसदी के हिसाब से वो आज वो एक मुकाम हासिल कर पाई है, क्या वो वाकई में वो कंटेंडरशिप वो आगे कंटिन्यू कर पाते हैं, ये सारी चीजों का एक जो तंत्र है वो देखने को डेफिनेटली मिलेगा। और ये भी देखने को मिलेगा कि भाजपा जिस हिसाब से अपनी रणनीति तैयार की, जिस हिसाब से अपनी जीत की प्राथमिकता दे रहे हैं, क्या उतनी प्राथमिकता अपने कार्य क्षेत्र में भी कुशलता के साथ दे पाते हैं या नहीं, तो बहुत सारी चीजों को देखने को मिलेगा। आगे आने वाली महिलाओं को की सुरक्षा को लेकर के, किसानों की व्यवधाओं को लेकर के, रण क्षेत्र में लेकर के या फिर एक व्यवसाय के क्षेत्र में लेकर के, क्योंकि यूपी हमारे भारत वर्ष का ही एक बहुत बड़ा गठन राज्य है और कहीं ना कहीं इस राज्य पे सबकी नजर रहेंगी, और ये एक बहुत ही बड़ा पदचिन्ह है कि दोनों दलों के बीच में जो एक रंगमंच अभी देखने को मिल सकता है वो कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय है।
बिल्कुल प्रियानंद जी, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जिस तरीके से तैयारी कर रही थी समाजवादी पार्टी, आखिर जनता ने ऐसा क्या देखा कि उन्हें नकार दिया और बीजेपी को एक बार फिर से सिर माथे बिठा लिया। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए, साथ ही चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जितनी तैयारी कर रही थी, जिस तरीके से दम भरती हुई नजर आ रही तमाम योजनाओं को लेकर, वो एक बार फिर से सत्ता में आना चाह रही थी लेकिन जनता ने उसे नकार दिया और बीजेपी को एक बार फिर से सर माथे बिठा दिया। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी तैयारी कर रही है, जिस तरीके से गुजरात में पीएम मोदी लगातार लगे हुए हैं, 2024 से पहले आपको बता दें कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव है। हालांकि 80 सांसद वाले यूपी को तो फतेह करने में सीएम योगी और उनकी टीम कामयाब हुई है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि 22 की तैयारी जो है उसका असर 2024 पर कितना पड़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।